लोग अपनी आपत्तियां लेकर गए थे चुनाव आयोग के सामने, जो अभी हाल में हो रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रचार हो रहा है, जिस तरह से उनके इश्तेहार और विज्ञापन दिए जा रहे हैं और उनमें जैसी जैसी बातें कही जा रही हैं, जिससे बड़ा कष्ट होता है किसी को भी जिसका लगाव भारतीय लोकतंत्र के साथ है, वो बातें हम उनके पास लेके गए। हमें खुशी इस बात की है कि उनमें से कुछ मुद्दों पर उन्होंने पहले से कार्रवाई कर रखी है और उसकी सूचना उन्होंने हमको दी है। हमको जो आपत्ति है वो इस बात की है कि जगह जगह जिस तरह से पेट्रोल पंप पर, ट्रेन के ऊपर, जगह जगह पर, यहाँ बस स्टॉप्स पर, हर जगह पर जो सरकार के बारे में प्रचार हो रहा है और प्रधानमंत्री की उसमें तस्वीर होती है, वो चुनाव के दौरान नहीं हो सकता, वो प्रचार का हिस्सा नहीं बन सकता, इस बात की आपत्ति उनके सामने रखी है। कुछ बातों को उन्होंने पहले से संज्ञान में लेने के बाद उस पर कार्रवाई कर दी है, कुछ चीज़ें उतार दी गई हैं। हमने उनको एक बात विशेष तरह कही है कि कभी कभी जो आपत्तिजनक प्रचार होता है और उसको इससे पहले कि उसकी यहाँ पर शिकायत यहाँ पर पहुँचे, उसको उतार लिया जाता है प्लेटफॉर्म से। जहाँ ऐसा होता है वहाँ पर क्या कार्रवाई हो सकती है, इस पर विचार करने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर विचार करने के बाद उस पर कोई सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। सर, इलेक्शन कमीशन ये आगे इसके आगे सुप्रिया जी बोलेंगी और इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ, इसीलिए हम आए हैं और उम्मीद करते हैं अगर किसी को कहीं कोई शिकायत है तो वो कहाँ जाएगा, चुनाव आयोग के सामने आएगा, चुनाव आयोग उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। जितने भी उनको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जितने अधिकार हैं उनको उनका उपयोग करते हुए कुछ कार्रवाई करेंगे, इसीलिए हम चुनाव आयोग के सामने। सर, चुनाव आयोग ने क्या आश्वासन दिया है? मैं आपको कुछ क्रमवार बता देती हूँ जिन चीज़ों पर हमने अपना ऑब्जेक्शन वहाँ पे दर्ज किया है। कुछ चीज़ें जैसे सलमान सर ने कहा उस पर एक्शन हुआ है, कुछ चीज़ों पर हमने एक्शन की गुहार करी है। एक निहायत ही भ्रमित करने वाला वीडियो चला रही है भारतीय जनता पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से, मिनिस्ट्री ने भी चलाया, तमाम नेताओं ने चलाया, तमाम मंत्रियों ने चलाया 2G को लेकर। कुछ 2G कोर्ट में हो चुका है कि कोई कल्पेबिलिटी नहीं है, तो ऐसा भ्रमित करने वाला वीडियो 10 साल बाद क्यों दिखाया जा रहा है? इसके लिए हमने उस पर्टिकुलर कंटेंट पर अपनी शिकायत दर्ज की है और चुनाव आयोग से अपेक्षा है कि उसको हटाया जाएगा। दूसरा, एक भ्रमित करने वाला वीडियो चलाया गया जो कि मोदी जी ने बोर रुकवा दी, जिसका फैक्ट चेक खुद मोदी जी की सरकार MEA ने ही कर दिया था। और क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले आया था, अभी भी लगा हुआ है, इस पर हमारी गुहार है और हमारी दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन से कि ऐसे भ्रमित करने वाले वीडियो को हटाया जाए। एक और भ्रमित करने वाला वीडियो चलाया गया था जिस पर आर्मी को यूज करते हुए दिखाया गया था, आर्मी का यूज पूरी तरह से प्रतिबंधित है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, उस वीडियो को हटाने की हमने दरख्वास्त करी है और कैसे उसको अप्रूवल भी मिला, इस पर भी कुछ प्रश्न उठाए हैं। जिस पर सलमान सर ने जिसका जिक्र किया, जो व्हाट्सएप के माध्यम से प्रधानमंत्री कुछ एक चिट्ठी भेज रहे थे लोगों को, उस पर ऑलरेडी कार्रवाई हो गई है, इन्होंने करी है कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने। उसके अलावा जो मोदी की गारंटी हैशटैग से एड्स लगे हुए हैं वो निकाले जाएंगे, चाहे वो मेट्रोज हो या कोई और होर्डिंग्स हो। इसके अलावा एक ऑब्सीन पोस्ट, एक निहायत ही ऑब्सीन पोस्ट जो BJP की कुछ राज्य सरकारों ने, जिसमें से ओडिशा है, वो करी, उस पर वो नाराजगी भी जताई इलेक्शन कमीशन ने वो पिक्चर देखते ही, उस पर भी हमने कार्रवाई करने को कहा है। ब्लेटेंट यूज जिस तरह से रिलीजियस चीजों का बार बार भ्रमित करने के लिए, बार बार कटाक्ष करने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, उस पर हमने बोला। हमने BJP की सांसद शोभा करांजले जी के बयान पर अपनी आपत्ति जताई है। तो ऐसे करीब 9 आइटम थे जिस पर हमने अपनी आपत्ति जताई, कुछ आइटम्स जिस पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया है और कुछ पर हमें पूरी आशा है कि क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किक इन हो गया है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड के चलते भ्रमित करने वाले आज पूरा फेक न्यूज, पूरी तरह से जो झूठ फैलाया जा रहा है,
वो कमीशन खुद उसको स्वतः संज्ञान लेकर उस पर एक्शन करेगा। जी, दो सवाल है। पहला ये कि क्या आपने जो इनकम टैक्स को लेके जो आज अकाउंट फीस की गए उस मुद्दे को आज चुनाव आयोग के सामने रखा है क्या? और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव आयोग से शिकायत करी है कि शक्ति वर्ड का इस्तेमाल किया था राहुल गांधी ने, और कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से प्रधानमंत्री के एक बयान को दिखाया गया था कि मैं बलात्कारियों की रक्षा करता हूं, उसको लेके भी चुनाव आयोग से शिकायत करी है कल भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री ने कोई बयान दिया था जिसका सारांश था जान की बाजी लगा दूंगा बलात्कारियों के खिलाफ। मणिपुर की औरतें पूछ रही है कब लगाएंगे जान की बाजी। कठुआ से लेकर कानपुर, IIT BHU से लेकर हाथरस की लड़कियां पूछ रही कब लगाएंगे जान की बाजी। प्रधानमंत्री अवसर खोजते हैं, प्रधानमंत्री आधे अधूरे वाक्यों को जो उनकी फेक न्यूज फैक्ट्री काट छाट के बाइट चलाती है उस पर रिएक्ट करते हैं। इस समय इस देश में चुनाव चल रहा है और ये चुनाव असुरी शक्ति और शक्तियों के बीच में चल रहा है, और हम असुरी शक्ति जिसके साथ प्रधानमंत्री खड़े उनके बिल्कुल खिलाफ है। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।